हेलो एवरीवन, दिस इज सुहेल फ्रॉम एड सेक्रेट इंटरनेशनल। आज की वीडियो आपके सामने मैं रूबरू हो रहा हूँ बिकॉज मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ विच इज़ रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन और उसके फ्लाइट्स के रिगार्डिंग। द न्यूज़ इज़ फॉर द पीपल जो लोग ऑस्ट्रेलिया मूव करना चाहते थे, ट्रैवल करना चाहते थे, या कुछ स्टूडेंट्स जिनके वीज़ाज आ चुके हैं बट वो ट्रैवल नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन बाय द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। और ये न्यूज़ अभी 20 फेब की है, आई थिंक, लेट मी चेक। ये न्यूज़ आई थी 19 फरवरी को, वहाँ के पीएम ने बताया था कि आने वाले दिनों में वो जो आपकी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको खोलने जा रहे हैं बिकॉज कि जो वैक्सीनेशन का काम है वहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से जल्द ही वो जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं लगाई गई हैं स्पेशली फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उसको खोलने जा रहे हैं सो डैट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीज़ा आ चुके हैं वो उनकी कंट्री में आ सके और स्टडी कर सके, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनको भी वैक्सीनेशन फ्री में दी जा रही है और स्पेशली उनका एक कार्ड बन रहा है जिनमें उनकी डिटेल्स होती है फॉर द वैक्सीनेशन, कि जब भी वो किसी जगह पर ट्रैवल करें उनकी सारी डिटेल वो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड में ही होगी। सो दिस वॉज द न्यूज़ जो आपको मैं शेयर करना चाहता था। अब जो बच्चे अपना माइंड चेंज कर रहे थे कि हम ऑस्ट्रेलिया छोड़ के कैनेडा चले जाएं, यूके चले जाएं, ये उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। वो इस न्यूज़ को आगे शेयर करें और अपने ड्रीम को कंप्लीट करें, ऑस्ट्रेलिया जाने के ड्रीम को और वहाँ जाकर स्टडी करने के ड्रीम को कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इनटेक्स हैं ऑस्ट्रेलिया के वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर कोई जाना चाहता है या फिर उधर स्टडी करने के लिए जाना चाहता है तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, आई विल बी गाइडिंग देम। और इससे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर सम मॉनेटरी गेन्स, मैं सब बस ये अवेयरनेस के लिए कर रहा हूँ कि जो लोग या कुछ एजेंट्स हैं जो भटका रहे हैं स्टूडेंट्स को या उनसे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं काम के, तो जस्ट फॉर द अवेयरनेस। तो होप यू लाइक दिस। थैंक यू।